हेलो ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, वेलकम बैक टू आवर चैनल द देसी फूड ब्लॉगर। और आपने क्लिप से समझ ही गए होंगे कि आज हम कहाँ आए हैं। जी हाँ, आज हम आपको फिर से उन्हीं राहों पर लेकर आ गए हैं, नागपाल का एक और आउटलेट का रिव्यू करने आए हैं। आज हम लोकेशन समझाता हूँ आपको थोड़ी, एक मूर्ति के पास श्री राधा गोविंद सोसाइटी, उसके मार्केट में ये अवेलेबल है ये वाला आउटलेट। यहाँ पर आपको छोले भटूरे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस आपको साउथ इंडियन भी मिलेगा यहाँ पर। तो वही चीज़ें टेस्ट करने आए हैं आज हम। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और हमें इंस्टा पर भी फॉलो कर लेना, आपको लेटेस्ट अपडेट वहाँ से मिलते रहेंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको कि कैसा होने वाला है फूड, क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या क्या प्रिपरेशन है, क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, वो सब चीज़ें दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं। हेलो मैम। हेलो, क्या नाम है मैम आपका? प्रियंका। ओके मैम, कितने टाइम से आ रहे हैं आप यहाँ पर? मैं यहाँ पे तो अभी दिस इज माय सेकंड टाइम, एंड पहले मैं राजपुर नगर में यहाँ पे आ चुकी हूँ। ओके, तो अभी क्या खाया है मैम आपने? छोले भटूरे, सांबर वड़ा। कैसा लगा मैम? बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ऑथेंटिक। मैं राजपुर नगर से खा के आई हूँ, बहुत ही ऑथेंटिक है, बहुत ही यमी है, और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। वेरी फ्रेश, अगर आप देखें ऑयल कंटेंट भी नाम के बराबर है। क्या बोलते हैं, अगर मैं कहूँ 10 में से नंबर देने हो तो कितने नंबर देंगे मैम? मैं रेट करूँगी 9। चलिए ठीक है, थैंक यू। क्या बन रहा है भैया अभी? मैसूर मसाला डोसा। तो ये हमारे पहले आइटम की बनने की प्रिपरेशन शुरू हो गई है। भैया ने बेस लगा दिया है डोसे का, ये तेल डाल दिया गया, देख सकते हैं आप साइज कितना बड़ा है डोसे का। और ये मसाला इस पर गर्म किया जाएगा अभी। भाई साहब, साइज तो बहुत ही बड़ा है। ये कौन सा मसाला है भैया? मैसूर मसाला। ये इन हाउस है, आप यहाँ भी बनाते हैं? आप ओके। ये देख सकते हैं आप, आलू पूरे डाल दिए गए हैं, पूरा मसाला डाल दिया गया है डोसे पर। बहुत बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग कलर आ चुका है डोसे में। वाओ अमेजिंग, ऑलमोस्ट तैयार हो ही चुका है लगभग हमारा डोसा। बहुत बढ़िया, ये मोड़ दिया भैया ने। वाओ अमेजिंग। तो आप, अब हमारे छोले भटूरे बनने तैयार हो गए, शुरू हो गया। ये डाल दिया भैया ने भटूरा, और आप देख सकते हैं सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, मास्क और कैप अच्छे से यूज करी जा रही है। और ये देख सकते हैं क्या फूला हुआ भटूरा निकला है। वाओ बहुत बढ़िया, अरे वाह। ये दूसरे भटूरे की तैयारी शुरू हो गई है हमारे। ये गया कढ़ाई में, मतलब आपको इतनी जल्दी काम होता है यहाँ पर, टाइम भी नहीं लगेगा आपका, ऑर्डर 5 मिनट के अंदर आपके पास आ जाता है, तो आपको वेट करने की भी इतनी ज़रूरत नहीं है, जबकि इनके पास भीड़ काफ़ी रहती है। बट यहाँ पर टाइम नहीं लगता है, आप देख सकते हैं 15 से 20 सेकंड में भटूरा तैयार हो रहा है। और ये आ गया हमारा दूसरा। तो अब ये क्या बना रहे हैं भैया? दही बड़ा। ओके, तो ये हमारा दही बड़ा बन रहा है, और दही से बिल्कुल लबालब भर दिया है भैया ने इसे, देख सकते हैं आप। ये आ गई इसके ऊपर हरी चटनी, बहुत बढ़िया। अब आ गया इसके ऊपर थोड़ा केचप, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया लग रहा है देखने में दही बड़ा। और धनिये से गार्निश कर दिया है धनिये से। अब ये क्या लगा रहे हैं भैया? राजमा चावल, कढ़ी चावल। तो ये आ गया पालक पनीर, पालक पनीर डाल दिया है भैया ने इसमें। ये आ गया राजमा, अरे वाह मेरा फेवरेट।
कड़ी पकौड़ा देख सकते हैं आप, एक कड़ी पकौड़ा आ चुका है इसमें। छोले भी डाल देते थोड़े से, सलाद वगैरह अच्छे से रख दिए भैया ने। ये मेन आइटम इनके छोले, बहुत बढ़िया। तो आप देख सकते हैं कितना सारा खाना हमारे आगे आ चुका है। और नागपाल की जैसे हमने पहले भी वीडियो बनाई है इस आउटलेट पर, मैं इनकी नई चीज़ ट्राई करने वाला हूँ, दही बड़ा, जो मैंने नागपाल में पहले नहीं खाया है। बाकी यहाँ पर डोसा है हमारे पास, डोसे का साइज़ बहुत ही बड़ा है, एक बंद मतलब डेढ़ बंदा आराम से खा लेगा इसे। यहाँ पर आप चावल देख सकते हैं छोलों के साथ, राजमा, कढ़ी, पालक पनीर, सब चीज़ें हैं यहाँ पर। स्पेशल जिसके नाम से फेमस है छोले भटूरे, जो कि देखने में बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे हैं। रियली बताऊँ, मेरा मन कर रहा है कि एकदम से बस खाना शुरू कर दूँ, रुका नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। और ये दही बड़ा है, बहुत ही टेम्पटिंग लग रही हैं चीज़ें देखने में। कहाँ से स्टार्ट करें, इस चावल से ही स्टार्ट करते हैं। खाते हैं राजमा चावल, जो मेरे पर्सनल फेवरेट है नागपाल्स के। यार पता है ना, घर से दूर रहता हूँ, नोएडा आके रहता हूँ, तो मम्मी के जो हाथ का स्वाद है ना राजमे का, मुझे यहाँ पर सेम स्वाद मिल जाता है लिटरली। मसाले बिल्कुल परफेक्ट, अच्छे से कुक्ड, क्या टेस्ट है यार, अमेजिंग। अब खाते हैं कढ़ी पकौड़ा। आम का अचार देते हैं साथ में, तो बहुत ही टेस्टी है यार हर चीज़, मतलब इन चीज़ों में सब में घर वाला एक स्पेशल टेस्ट आता ही है। इसी वजह से आज 15 से ज़्यादा फ्रेंचाइजीज हो चुकी हैं दिल्ली NCR में। चंडीगढ़ में भी एक आउटलेट खुला है अब इनका, वो भी आने वाले टाइम में दिखाएंगे आपको। अमेजिंग। अब आते हैं इनकी मेन चीज़ पर, जो कि है छोले। छोले चावल ट्राई करते हैं। ये स्पून, स्पून मैंने रेडी कर लिया। छोलों में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, छोलों में जो मेन चीज़ होती है वो अंदर का, जो एक सिंपल छोले उबाले तो एक फीकापन रह जाता है, इस छोले में वो बिल्कुल नहीं है। मसाले बिल्कुल अंदर तक मिले हुए हैं, बिल्कुल परफेक्टली कुक। अमेजिंग। ये फोर्थ चीज़ जो कि है पालक पनीर। पनीर एकदम फ्रेश, उन्होंने जाते ही खुल गया, मतलब कहते हैं ना बिल्कुल मक्खन पनीर है। और ये अचार तो मेरा फेवरेट है ही। ये हो गई हमारी प्लेटर, इसे करते हैं साइड। अब इनकी स्पेशलिटी पे आते हैं, जो कि है छोले भटूरे, जो कि अब पिचक चुके हैं बिल्कुल। एक बड़ी सी बाइट लेते हैं, इस पर थोड़ी सी प्याज लगाते हैं। छोले लगाते हैं, थोड़ी सी चटनी डालते हैं, पहले आपको खिलाते हैं। गिर भी गए थोड़े,
छोले भटूरे फेमस है ना, लिटरली सही फेमस है। अगर नाश्ते में अगर छोले भटूरे मिल जाए ना ऐसे, लाइट सेट हो जाए भाई, अमेजिंग। भटूरे के अंदर देख सकते हैं आप, पनीर भी दिखेगा आपको, पनीर भी है भटूरों में, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया। तो अब है अगला आइटम हमारा डोसा, जो प्रिपरेशन तो बहुत ही अमेजिंग थी इसकी। एक मिनट इधर आइए, आपको खोल के दिखाता हूँ बीच में से। ये देख सकते हैं आप मसाला, वाओ क्या अमेजिंग मसाला है। यहाँ से थोड़ा सा मसाला उठाते हैं, हमें पहले ऐसे ही टेस्ट करना है। काफी इंटरेस्टिंग मसाला है, लिटरली बहुत अलग मसाला है। मैंने पहले ऐसे ऐसा डोसा नहीं खाया मंसूरी। सांबर ट्राई करती हूँ। अरे वाह, सांबर अमेजिंग, लिटरली अमेजिंग। ऐसी सांभर मैंने नोएडा में काफ़ी जगह डोसे खाए हैं, मुझे नहीं मिली भाई, कसम से बहुत ही बढ़िया सांभर है। आते हैं अपने अगले आइटम पर, फाइनल चीज सबसे एंड में खाएंगे। ये देख सकते हैं आप दही वड़ा, कितना टेस्टी लग रहा है, दही बहुत ही थिक डाली थी इन्होंने। बड़े भी इतने बड़े हैं, काटने में दिक्कत हो रही है, कर दे डिगिन। थोड़ी मीठी, थोड़ी नमकीन दही, और बड़ा अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, बाहर से क्रिस्पी, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट दे रहा है। अभी हमें यहाँ के बाद एक और वीडियो शूट करने जाना है, अब जल्दी से हम इन सबको ख़त्म करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट ज़रूर करिएगा और बताइए कि अगला वीडियो आप कहाँ का देखना चाहते हैं और आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में।